सुरेश बाबू की तरफ से हर्ष बाबू को हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और आशा और उम्मीद करते हैं, क्योंकि आपके फाउंडेशन बैच के अभी दो गो तीन गो हैं यहाँ पर, एगो बैठे और कोई पढ़े हुए हैं कि एक तो है अभी, दो गो वहाँ पर दिख रहा है अभी पढ़े हुए हैं ऑनलाइन में। अच्छा, ऑनलाइन में भी है तो हैं, कुछ लोग हैं जो आप परिचित हैं और पूरा का पूरा लोग हैं जो अपरिचित है। तो बस हम लोग का परिचय क्या है भाई, अपना सब्जेक्ट है, यही ना है, अपनी काबिलियत है। आपको जो बूस्टअप करके हम लोग एसएससी हो, रेलवे हो, बिहार दरोगा हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, जहां तक पहुंचाते हैं वही हम लोग की अपनी पहचान है। बार बार कहते हैं, हमने सर को, हर सर को कहा कि हो गया, हम भी तपस्या किए, उसका परिणाम निकला, आप भी तपस्या किए हैं, परिणाम निकला, भले ही जो कुछ हो, लेकिन यदि हो जाता आपके लिए अच्छा था, स्टूडेंट के लिए सबसे अच्छा, स्टूडेंट के लिए अच्छा था, यदि आपका बीपीएससी में हो जाता तो इंग्लिश का कौटिल्य परिवार में सीट खाली ही रहता, क्योंकि हमको दिल से दिल वाला जब नहीं जुड़ता है, जो छात्र के लिए इस तरह का मेहनती हो, तो हम अभी कह रहे थे एगो, कल एक शिक्षक आए हमको जान नहीं रहे थे, तो हमने कहा कि नहीं, कल ही हमको पता चला कि हर सर वेलकम बैक होने वाले हैं, तो हमने कहा तब तो कोई बात ही नहीं भाई, इनसे मुलाकात हमको कराइए, और मुलाकात किए सर भी, आप इसे कहते हैं हम बात नहीं किए हैं, इसे कहते दिल से दिल का जुड़ाव, क्या उदय बाबू? हाँ, उदय सर तो मैथ में पहला ऐसा शख्स होगा मैथ के लिए जो लगभग 17 घंटे का क्लास हुआ था नॉन स्टॉप, इसी मंच से कुछ दिन पहले 17 घंटे का, और समरेश सर भी फिर जोशिया गए कि भैया जब शादीशुदा व्यक्ति, बाल बच्चादार व्यक्ति 17 घंटा टिक सकते हैं, तो ये भी अपना प्रयास किए और अच्छा रीजनिंग हुआ, हवा हवाई एकदम बहुत अच्छा, 12 घंटा फिर 3-4 घंटा और दिए थे ना, लगभग 12 घंटा नॉन स्टॉप, और ये तो सुबह में लिए, तो दिन में तो खैर ढेर सारे लोग आते जाते रहे, लोग देखते रहे, आई रात में 9:30 बजे से स्टार्ट किए, हम खुद 3 बजे, 2:45 बजे रात तक जगे थे, चूंकि हम भी कुछ स्टडी कर रहे थे और देखे तो कमेंट आ रहा था, तो हम भी कुछ कुछ कमेंट करने लगे, तो ये भी पढ़ लिया, लड़कों सब पढ़ लिया कि गुरुजी भी जगे हुए हैं, हाँ तो अच्छा लगा। अब इंग्लिश में हर्ष सर अपना हर्ष दिखाने वाले हैं, तो हम सर को जरा सा माइक देना चाहेंगे, हम अपने बड़ा दे, हेलो, धन्यवाद गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अरे ये हुआ दूल्हा, ये हुआ लोकनिया, दुल्हा को बड़का बड़का लोकनिया के नहीं होता, दुल्हा को पाग माला 4-5 लोकनियों को पहना दिया जाता है, लेकिन दुल्हा तो माला निकाल देता है, मेरा उतारने का मन नहीं है। चल एक बार जोरदार ताली हो जाए सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन, बहुत अच्छी बात है सर, कुछ कह दीजिए। सबसे पहले तीनों गुरुदेव को, प्रदीप सर को, उदय सर को, समरेश सर को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट इतना सम्मान के लिए, और आप सभी स्टूडेंट्स को मेरा आशीर्वाद और शुभ प्यार, हालांकि इस प्यार को अन्यथा न लें, जो शुभ प्यार है नहीं, अब चूंकि लाइसेंस होल्डर हो जाने के बाद कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हाँ कोई डर नहीं, डर का
बताइए। दूसरा बात मैं ये कहूंगा कि गुरुदेव ने जो हमारे बारे में कहा, ठीक है, दूसरा बात ये कि जो मेरे बारे में कहा गया, एक इंग्लिश में कहावत है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, मतलब है कि जो कर्म है शब्दों से ज्यादा आवाज करता है, ज्यादा तेज बोलता है। तो वास्तविकता है कि मेरे बहुत सारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स इस बार भी कह लीजिए इनकम टैक्स से लेकर के एक्साइज हर डिपार्टमेंट में मौजूद है, लेकिन इसको बयां करके और बोल के सुनाने का कोई फायदा नहीं है जब तक करके ना दिखा दें। तो मैं आपको इस बात का गारंटी देता हूं कि जो विश्वास प्रदीप सर का है मेरे ऊपर, उससे कहीं ज्यादा मैं अपने तरफ से फर्ट लगा करके इसको सच में बदलने का कोशिश नहीं करके दिखाऊंगा। अच्छा देखिए, मैं टीचिंग से थोड़ा कट गया था क्योंकि जैसा कि सर बताया कि मैं तैयारी में लगा हुआ था बीपीएससी, अभी शेयर किए थे इस वेग का जरा बात। और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने उम्र में, अभी रिकॉर्ड है मेरा 15 घंटा लगातार पढ़ने का। क्या पढ़ने का, जबकि इतना सारा जिम्मेवारी होते हुए, परिवार है, ये देखना है, थोड़ा बिजनेस भी देखना है, डिस्पाइट अगर मैं वीक में 4 दिन डिस्टर्ब होता था तो उसके बदले में मैं 15 घंटा लगातार उस दिन पढ़ता था उसके सुबह होके, ताकि वो मेंटेन हो जाए। तो जितना ज्यादा मुसीबत आता है इंसान को उतना ज्यादा आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए, और ये कोशिश में इंसान हमेशा सफल हो जाता है। कहते हैं ना कि मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है। क्या मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दा निगाहों से हटाती है। मुश्किलें दिल के इरादे को आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला मत हारना, गिर करो मुसाफिर। ठोकरे इंसान को चलना। तो वास्तविकता यही है दोस्त कि जीवन में जितना मुसीबत आए इंसान को आगे बढ़ने का उतना कोशिश करना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, बिना मुसीबत आए कोई आगे बढ़ा ही नहीं है। आप टोटल सफल व्यक्ति का एग्जाम्पल उठा के देख लो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, कभी आपने रामायण या महाभारत का सीरियल देखा है? yes, उसमें तीर छोड़ते किसी को देखा है? yes, अगर तीर को पीछे ले जाने का कष्ट ना दे तो वो दूर जाएगा क्या? yes, टारगेट हिट करेगा। क्या बात है? जितना जोर से तीर को अगर पीछे खींचा जाए उतना ही ज्यादा आगे जाता है, लक्ष्य को भेद देता है। तो जब कभी भी लाइफ में आप पीछे जा रहे हो तो यह समझ लेना कि आपका आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी यही है, आ गया है वो समय जब आपको, आप नहीं चाहते तो आपको वक्त जबरदस्ती आपको आगे भेजने वाला, आपको आगे उठा के फेंकने वाला है। समझ रहे हैं? दिस इज फैक्ट ऑफ लाइफ। और अपना कुछ ऐसा था कि कोरोना में लगा कि नहीं आई शुड टेस्ट माई सेल्फ, तो मैंने टेस्ट भी किया खुद को, बीपीएससी का पीटी में दिया भी, अप्रोक्सीमेटली 108 से 112 नंबर के आसपास बन भी रहा है जो मैं मिलाया। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना कि मेंस का उतना अच्छे से तैयारी नहीं है, तो कैंसिल होना है पीटी, लेकिन इतना धांधली देख करके थोड़ा सा होता है ना कि आदमी डिसअटर, अब बुढ़ापा में क्या आदमी कितना मेहनत करेगा। मेहनत करना तो आप जैसे जवानों का काम है। क्या बात है, क्या अच्छा जवान है क्या लग रहे है ना? कभी कभी इंसान भूल जाता है ना, इसलिए कभी कभी इंसान भूल जाता है कि जवान। तो अच्छा मैं इस समरेश सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, समरेश सर थोड़ा ऐसे रहे तो मजा आए। जैसे और उदय सर के बारे में देखिए, मैं समरेश सर का शिकायत नहीं कर रहा, 3 आदमी मैरिड हैं, 1 आदमी अनमैरिड है, लेकिन लगता है समरेश सर अपना एनर्जी आप लोग के प्रति ज्यादा समर्पित कर दिए। देखिए
उदय सर को देखिए, गुरु जी को देखिए, समरेश सर थोड़ा नेचुरल है क्या? बात सही है, नेचुरल है नहीं। अच्छा समरेश सर कसम खाए कि जब तक पूरा कौटिल्या परिवार के हर एक बंदे का ही सहवाला न बन जाए ये दूल्हा नहीं बनेंगे। बहुत बढ़िया है, ये भी बड़ी बात है, लेकिन डर इस बात का है कि फिर 32 33 34 35 के बाद फिर कौन सपोर्ट करेगा? ऐसा नहीं है सर, देखिए ऐसा नहीं कैसे, देखिए नहीं नहीं ये थोड़ा सा इस बात को हंसी मजाक में ही लेना है, लेकिन आप बताइए सारी चीजें अवस्था पे ही हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो आप लोग का भी नौकरी का समय, इनको नौकरी वोकरी करना नहीं है, फिर अगर 38-39 के बाद मित्रक सहयोग से पुत्रक प्राप्ति कब तक? इसलिए मैंने कहा कि आप जल्दी से कीजिए, हम लोग कितना बार पूछे भी कि सर कुछ है तो बताइए, सीधे एक ही सूर्य कसम खा लेते ना, बहुत बात। हाँ देखिए दूसरी बात करें, इसीलिए हम प्रतिज्ञा कर लिए कि ना खुद कभी ब्याह करेंगे ना अपना बाल बच्चा को करने देंगे। ये बात हम आपको बता चुके हैं उदय सर। यार तू सब नहीं कुछ समझा ना, आप लोग समझे ना, खुद ब्याह करेंगे ना अपना बाल बच्चे को, मतलब बाल बच्चा कहां से आया? मतलब जुगाड़ है भाई। समरेश सर आज फंस गए, इतना दिन से हम लोग टोकर लगा रहे थे, टोकर लगी नहीं आज। चलिए वेलकम, स्वागत समरेश सर के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद, जो समरेश सर ने आज भारी महफिल में इस बात को स्वीकार लिया कि ब्याह नहीं करेंगे, नहीं बाल बच्चे को ब्याह करने के लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ रीजनिंग स्टाइल में खिला। चलिए और कुछ समरेश सर, और कुछ कहने के लिए तात्पर्य? हाँ ऑनलाइन में एक बच्चे कह रहे थे, देखो भाई वो कह रहे थे उपटन लगाने के बाद, एक बात सुनो, हम क्लास को कहते हैं भाई भौजा एक शेयर कर दीजिएगा, भाई भौजा बन मत जाइएगा, जो भौजाए काम है वो भौजाइए तक रहने दीजिए। चलिए तो बेसिकली आज जो है वो हर सर के बारे में बातें करनी है, क्योंकि इंग्लिश का बैच आप लोग बार बार कह रहे थे, हंसी मजाक तो जरूरी है क्योंकि जिंदगी में खुश रहो भाई, रो के क्या मिलना? बिल्कुल सही, रो के कुछ मिलेगा क्या? बिल्कुल सही यार, देखिए जिंदगी में अगर सबसे मुश्किल कोई काम है ना तो किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, और सबसे अगर आसान काम है, अगर सबसे आसान काम है तो किसी को टेंशन देना कुछ मत करो, कोई रोड पे जा रहा अनजान आदमी उसको कहना भाई सब नमस्ते, दिन भर सोचेगा कौन था, कहां मिला था, हमको कैसे जानता था, ज्यादा टेंशन देना हो तो कहना कि भाई सब नमस्ते भौजाई जी कैसी है। This is called पावर ऑफ रीजनिंग। ज्यादा टेंशन में आएगा, अनमेरिड हुआ तो और ज्यादा आएगा, कौन सी वाली को जानता है। क्या टेंशन नहीं लो भाई, खुश रहो यार। क्या चलिए तो पहले सर के बारे में सुन लेते हैं कि बैच कब से आ रही है, क्या क्या आ रही है, उसके बाद फिर बातें करेंगे। एक आश्चर्य की बात ये भी है, नहीं हो गया, हंसी मजाक का दौर खत्म, ब्याह करे ना करे जाने वो अपना, हमारा उतना का टेंशन है। अरे नहीं होगा दो चार दिन जा करके अपने से कहीं से कुछो खा के चलेंगे इनके ब्याह के नाम पे। हम और हर्षानंद सर बोरिंग रोड में एकदम पैरेलल टीचिंग करते थे, आपको आश्चर्य लगेगा सर, हमको लगता है कि 14 से सर को पर्सनली हम लोग ऐसे जानते जैसे मुस्कान फिल्म हो या सिर्फ तुम, यानी सर हमारे पोस्टर को देखे होंगे या सर के पोस्टर को हम देखे होंगे। आज सर हमसे पहली बार मिले तो सर बोले कि आपके यहाँ जो बच्चा मैथ्स पढ़ के इनकम टैक्स और एक्साइज में गया वो इंग्लिश मेरे यहाँ ही पढ़ता था। क्या बात, ये बहुत बड़ी बात है, और ये सच्चाई भी है कि जब उस समय में हर्षानंद सर की इंग्लिश में एक तूती बोलता था, खैर जब जागे तभी सवेरा, सर आए हैं अब शुरू होगा महा
तो सर पार्टी दीजिएगा। परिवार में दुल्हनिये आने से परिवार कंप्लीट नहीं होता है, अगर खाती दुल्हा सब भी अगर आ जाए तो परिवार कंप्लीट होता है। आज इस बात की तो गवाही हो गई कि कौटिल्या आज कंप्लीट परिवार हो गया, ये बात सच है। प्रतिदिन हम लोग खलते रहते थे कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, अब क्या होगा, बच्चों को इधर उधर भटकने की नौबत नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी और चारों लोग एक जगह अगर हो जाए, मैं अपनी भी तारीफ साथ में कर लेता हूं, इससे क्या होता है कि हाँ नहीं तो कभी कभी क्या होता है कुछ लोग थोड़ा कन्नी काट के तारीफ करते हैं। मैं उनको कहता हूं कि इस जन्म में अगर हमने नाम पर ताली नहीं बजाएगा तो अगले जन्म में हर घर जाजा के ताली बजाएगा, है कि नहीं। चलिए सर आपको फिर से वेलकम है। और चलिए तो कहा जाए बहुत जल्दी सर का बैच लॉन्च कर देंगे, मेरे पास तो अभी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन, बहुत जल्दी आप लोगों को कर देंगे। और एक निश्चित रूप से बहुत बड़ा खास ऑफर के साथ, ताकि आप लोगों को अधिक से अधिक समय में समय भी मिले एडमिशन। हाँ इंग्लिश तो बार बार कहते हैं, चाहे यूपीएससी का सी सेट हो या एसएससी हो। हाँ कहिएगा, बिहार दरोगा में नहीं लेकिन बिहार पुलिस में है भैया। जो मैं लास्ट एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी मे बी नेक्स्ट ईयर से हो सकता है कि सी सेट ये सीईटी लागू हो जाएगा, तो जो बच्चे रेलवे में जा रहे हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे उसको इंग्लिश फेस करना पड़ेगा। हाँ वो तो सब पहला बात। दूसरा बात मैं बता रहा हूँ कि लास्ट टाइम जैसे रेलवे में भसड़ हुआ था, इतना ज्यादा वैकेंसी निकला था, सेम चीज एसएससी में भी होने वाला है, इंटरनल खबर में बता रहा हूँ। और हकीकत यही है कि यही रीजन है कि आज इंस्टेंटली हम यहाँ हैं। चल बहुत अच्छा लगा सर, अच्छा हकीकत है ये कि रेलवे बहुत ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं एसएससी डिपार्टमेंट में। और एक बात और है कि जिस प्रकार से जैसे सीईटी आएगा तो कई एक सारे स्टेट ने पहले ही से मन बनाया हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट का भी जो वैकेंसी आएगा सीईटी के थ्रू लेगा, तो मे भी बिहार में भी कर दे। लेकिन इस वाला सचिवालय तो क्लियर है, अगला साल से मे भी अगर ऐसा करे तो हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट भी इसको लागू कर दे। ठीक है चलिए फिर से अच्छा, ये भी छोड़ दीजिए हरियाणा लागू कर दिया है, ये भी छोड़ दीजिए, तो इंग्लिश का इतना जरूरत है डे टू डे लाइफ में कि कहीं आप थोड़ा भी अगर अपना स्पेस बनाना चाहते हैं, इंप्रेशन झाड़ना चाहते हैं, तो बिना अंग्रेजी के होने वाला नहीं है। माथा पीटते रह जाएगा, चली जाएगी इधर उधर, बिना अंग्रेजी के कुछ नहीं है। दो शब्द मुंह से इंग्लिश निकला नहीं बात बन गया। उदय सर बोल रहे हैं कि इंग्लिश मेरा कमजोर था इसलिए क्यों हुआ है। हकीकत है सर का कमजोर है इसलिए तो देख रहे हैं। हम तो खुल के कहते गाय हमारी माता है, अंग्रेजी हमको नहीं आता है, ये कहते हैं ना, ये निश्चित से कह देते हैं। और चीजें मजाक की है, हाँ ये उस पर ध्यान दीजिए, हकीकत है ये, फैक्ट है कि इंग्लिश अभी सीईटी लागू होने वाला है। यह जो आधा घंटे का सेशन आप लोग के लिए एक बूस्टर भी रहा, खुशनुमा माहौल भी रहा। और यदि एक बार आधा घंटा के लिए यदि दिल से लोग हंसते, आप देखे होंगे हम दो बार आंख पोंछे हैं, दिल से यदि हंस गए ना तो आपका एक महीना का एनर्जी मसल्स में आ गया। कहते चेहरे में 14 हड्डी, हंसने में 12 मसल्स, याद है, चेहरे में हंसने में और सब सीख लिया, चेहरे में। अच्छा नहीं नहीं सीख पाएंगे तो हम एक गाना बताते, गाना सुनिए सुनिए सुनिए। हीरो हीरोइन को कहता है, अरे यार सुनो तुम कि चौदहवीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम महा बेकार हो। यदि ये कहना याद है तो चौदहवीं का चांद, 14 को हड्डी है चेहरे में, हाँ हड्डी कितना चेहरे में, फेशियल बोन की संख्या। कहते हैं फेशियल कराने जाते हैं तो क्वेश्चन पूछेगा चेहरे की हड्डी को क्या कहते हैं,
बस दिमाग पर बाबा कहते कि कोई भी लॉजिक लगाएंगे हम, मेरा अपना फंडा है कि जिस जहां पर हमको जीके जीएस सूझता है ना उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। फेशियल कराने गए, अच्छा फेशियल, फेशियल बोन है 14 को, हंस रहे कहते हैं 12 का दांत दिखा दिया, मतलब 12 को मसल्स दिख रहा है। तो मसल्स में, चेहरे में केवल मसल्स ही नहीं, ब्रेन के तंत्रिका तंत्र में भी एक एनर्जी का फ्लो होता है। सिलेबस कंप्लीट करेंगे बेसिक से, कराइएगा बेसिक से, बहुत अच्छा, इंग्लिश एकदम जीरो लेवल से चलेगा। तो पूरे कौटिल्या परिवार के तरफ से, पूरे पाथवे और कौटिल्या परिवार के तरफ से, पूरे इस समाज को तहे दिल से आशीर्वाद, छात्र समुदाय को तहे दिल से आशीर्वाद, और समरेश सर, हर्ष सर और उदय सर को कौटिल्या जीएस के इस क्लासरूम में गार्जियन होने के नाते पूरे छात्र समुदाय के तरफ से हम तीनों का वेलकम स्वागत किए। चलिए तो अच्छा लगा, बहुत जल्दी सर का एक दो दिन के अंदर में प्लान बना के बैच को अनाउंस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।